गायत्री रसोई में आपका स्वागत है। आज हम गोभी आलू मटर की सूखा सब्जी बनाने वाले हैं, तो देख लेते हैं इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले ये 500 ग्राम गोभी है, इसको बढ़िया से इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट के और अच्छी तरह से धो के ले लिए हैं। उसके बाद फिर एक कटोरी आलू है, ये बारीक काट लिए हैं इसको भी, और एक कटोरी मटर का दाना ले लिए हैं, और एक प्याज है इसको काट के ले लिए हैं, और इस तरह से हरा मिर्चा 3 है इसको बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिए हैं। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये 1.5 चम्मच लिए हैं इसको, और 1 चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 चम्मच गरम मसाला है, आधा चम्मच है धनिया पाउडर, और 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर है, और 1 टमाटर है, ये इस तरह से स्लाइस में काटे हैं टमाटर को, और स्वाद अनुसार नमक लिए हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा जीरा ले लिए हैं, सरसों ले लिए हैं, और थोड़ा सा कसूरी मेथी ले लिए हैं। सब्जी बनाने के लिए इस तरह से रिफाइंड ऑयल ले लिए हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई को गरम कर लिए हैं, और इसमें थोड़ा से 3-4 चम्मच तेल डालना है। तेल को गरम होने देते हैं। तेल गरम हो गया है तो इसमें सरसों और जीरा को डाल दे रहे हैं। इसके बाद फिर प्याज को भी डालना है, प्याज और हरा मिर्ची है इसको, और इसको थोड़ा से भून लेते हैं। प्याज को थोड़ा देर भून लिए हैं। इसके बाद फिर इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसको डालना है। गैस के फ्लेम को लो रखना है, मीडियम फ्लेम में ही सब्जी को बनाना है। इसके बाद अदरक लहसुन भी भुन गया है। इसके बाद थोड़ा सा मैं कसूरी मेथी डालती हूँ, यदि ताज़ा मेथी यदि है तो ताज़ा मेथी डालें, लेकिन ताज़ा मेथी हमेशा नहीं मिलता है, तो इसलिए मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ थोड़ा से। गोभी की सब्ज़ी में मेथी पत्ता डालने से स्वाद एकदम बढ़ जाता है। इसके बाद फिर आलू को डालना है इसमें। आलू डालने के बाद फिर गोभी को भी डाल देना है, और गोभी को डालने के बाद इसको मीडियम फ्लेम में धीरे धीरे करके भूनते जाना है हमको। गोभी को सब तरफ से इस तरह से मिला लिए हैं। इसके बाद में फिर एकदम ढक्कन को इसका बंद कर देते हैं, और एकदम धीमा आंच कर देते हैं ताकि ये बढ़िया भाप में पकते रहें। थोड़ा देर इसको भाप में ही पका लिए हैं, और थोड़ा देर पकाने के बाद फिर इसमें थोड़ा थोड़ा मसाला डालते हैं। ये सूखा सब्जी है इसलिए इसमें ज़्यादा मसाला नहीं डालेंगे, तो इसलिए ये हल्दी पाउडर है, और ये लाल मिर्च का पाउडर है ये, फिर उसके बाद ये धनिया मिर्च है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इसमें डाल रही हूँ। इसी में गरम मसाला भी डाल दी हूँ। इसके बाद इसको थोड़ा से और अच्छा चला लेना है। मसाला भुना गया है तो इसमें ये हरा मटर है इसको डाल देंगे। हरा मटर को डालने के बाद इसमें नमक डालना है। नमक डालने से सब्जी का जो जूस रहता है बाहर आ जाता है, और हमको उसी ये सब्जी के जूस से ही इसको पकाना है, पानी नहीं डालना है इसमें, तो इसीलिए मैं नमक को डाल दी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल इसको धीमा आंच में ढक के पकाना है।
थोड़ा देर के बाद इसको इस तरह से खोल के चलाते रहना है, नहीं चलाने से नीचे सब्जी जल जाता है। इसको धीमी आंच में ही बढ़िया से पकने देना है, उसके बाद फिर बाद में थोड़ा से आंच को तेज करना है। पहले धीमी आंच में भाप में ही इसको, इसका गोभी है उसको पकाना है, अभी थोड़ा नहीं पका है। थोड़ा बाकी है अभी। ये देखिए हमारा सब्जी बन गया है और पक गया है। तो लास्ट में फिर क्या करना है, ये टमाटर की कलियां हैं इसको ऐसे डाल देना है और इसको ऐसे करके मिला के फिर इसको मिला देना है, फिर इसको इसको भी भाप में पकने देना है। इसके बाद फिर इसको फिर 2 मिनट के लिए ढक के पकाना है धीमी आंच में। यह देखिए धीमी आंच में बढ़िया सब्जी बन के तैयार हो गया है। और इस तरह से ये सूखा सब्जी है तो इस तरह से इसको खिला खिला रहना चाहिए और पक भी गया है। और इसमें टमाटर डाले हैं उसको भी ऐसे ही रखना है, उसको अलग से नहीं करना है। अब इसको एक बाउल में सर्व कर लेते हैं। कि सूखा सब्जी बन के तैयार हो गया है, इसको सर्व कर दिए हैं। और इसको भाप में ही पकाया जाता है धीमी आंच में और खाने में बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट बनता है, जल्दी आसानी से बन जाता है। और गोभी का सीजन है तो हमेशा इसको बना के खाया जाता है, तो इस तरह से आप भी बना के खाएं। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।